अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उस्मान अली है, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेक फाइंडर। तो दोस्तों, रियलमी एक्स टू प्रो आज चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। अब आपके माइंड में एक सवाल होगा कि ये वाला मॉडल पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, रियलमी एक्स टू प्रो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल होगा। ये वाला मॉडल दिसंबर में या इसके आगे या पीछे पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। इसमें तीन वेरियंट रखे गए हैं, इसमें एक 6 GB रैम और 64 GB बिल्ट इन मेमरी। इसके जो पाकिस्तान में प्राइस 55,000 के करीब रहने वाले हैं। इसी तरह इसका अगला वेरिएंट 8 GB रैम, 128 GB बिल्ट इन मेमोरी, इसके जो पाकिस्तान के अंदर प्राइस 70,000 के करीब रहने वाले हैं। इसी तरह इसका एक अगला वेरिएंट आ रहा है 8 GB रैम, 256 GB बिल्ट इन मेमोरी, इसके जो प्राइस हैं 80,000 के करीब रहने वाले हैं। 64 MP इस फ़ोन का कैमरा है। रियलमी एक्स टू प्रो पाकिस्तान के अंदर आने वाला है। इसके अंदर मज़ीद क्या क्या फ़ीचर्स हैं और कौन कौन से इसमें एक्स्ट्रा फीचर डाले गए हैं जो और फ़ोन में आपको नहीं मिलते, वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम टाइम को ज़ाया नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसकी स्पेक्स की बात कर लेते हैं। 6.5 इंच सुपर एमोलेड इसका डिस्प्ले है, 1080 डिस्प्ले रेजोल्यूशन है, 402 PPI डेंसिटी है, कोरियन गोरिल्ला ग्लास 5 की इसमें प्रोटेक्शन है। प्लेटफॉर्म में आपको एंड्रॉयड 9.0 पाई बिल्टन मिल जाता है। बहरहाल ये अपग्रेड एबल है 10.0 पे। कलर OS इसमें 6.1 मिलता है। चिपसेट इसमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 855 लगी हुई है, ये लेटेस्ट चिपसेट है। CPU इसमें आपको ऑक्टा कोर मिल जाता है। दोस्तों, इस फ़ोन में आपको कार्ड स्लॉट नहीं मिलती, इसमें आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। बल्कि इसकी बिल्ट इन मेमोरी इसमें कुछ वेरिएंट है, 6 GB, 64 GB, 8 GB, 128 GB और 8 GB, 256 GB, ये वाले इसमें वेरिएंट अवेलेबल हो रहे हैं। दोस्तों, इस फ़ोन में सबसे मज़े की बात इसका क्वाड कैमरा है। 64 MP इसका एक कैमरा है, 1.8 अपर्चर के साथ वाइड कैमरा। एक कैमरा इसका 13 MP का है, 2.5 अपर्चर के साथ टेलीफोटो और 2x ऑप्टिकल जूम। एक कैमरा इसका 8 MP है, 2.2 अपर्चर के साथ 14mm अल्ट्रा वाइड। और एक कैमरा आपको 2 MP मिल जाता है, 2.4 डेप्थ सेंसर वाला, ड्यूल LED फ्लैशलाइट, HDR पैनोरामा। बैक कैमरा से ये 2160p पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, 1080 पे भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और 120fps पे भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और 720fps 9060fps गायरो। और दोस्तों, इसका फ्रंट कैमरा आपको 16 MP का मिलता है 2.0 अपर्चर के साथ। फीचर में इसमें HDR और ये 1080 पे 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें लाउड स्पीकर मौजूद है, 3.5mm जैक भी इसमें दिया गया है, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, रेडियो। यहाँ पर बात आती है फिंगरप्रिंट सेंसर की। इसके डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी, कंपास मौजूद है। यहाँ पर इसके अंदर 4000 की काफ़ी बड़ी बैटरी मिल जाती है। यहाँ पर आपको 50W का चार्ज मिल जाता है, यानी कि 30 मिनट के अंदर आपका फ़ोन 100% चार्ज हो जाएगा। सुपर वॉक चार्जर इसमें मौजूद है, काफ़ी मज़े की बात है। ये जब पाकिस्तान में आ जाएगा फिर खुल के इसकी चीज़ें बाय रहेंगी। ये तो हम इसके आपको फीचर्स बता रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे इसी तरह आने वाली लेटेस्ट एंड फ्रेश वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।